ये है दिल्ली दर्पण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सतत विकास के लिए 2023 तक जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों के प्रति स्कूल के बच्चे भी सजग हो रहे हैं। दिल्ली के अशोक विहार स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल के स्टूडेंट भी ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन स्कूल के छात्र छात्राओं ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर कई तरह थीम तैयार की और उन्हें प्रदर्शित किया। स्कूल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित सभी 17 थीम पर सजाया गया। इन बच्चों ने थीम प्रोजेक्ट में भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी कितनी समझ रखते हैं इस आयोजन में नजर आया। ये प्रोजेक्ट हमने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए बनाया। हमारा ये मोटिव है कि हम बच्चों को एसडीजी के बारे में अवेयर करवाएं और रोबोटिक्स वगैरह जो अभी एआई का रिवोल्यूशन चल रहा है उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए और उसमें बहुत चीज़ें सीखने की भी जरूरत है। एज ए पेरेंट द मेन चैलेंज टू द चिल्ड्रन देयर टू फैक्टर देयर नीड्स टू आंसर देयर क्वेश्चन यू नो द आंसर दैट कोड इफ यू डोंट नो द आंसर देन हाउ यू कैन सैटिस्फाई इट। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है। इस आयोजन में मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख लोग भी बच्चों के बीच पहुंचे और सभी के स्टॉल और थीम प्रोजेक्ट को न केवल करीब से देखा बल्कि उनकी समझ के कायल भी नजर आए। What is the theme like? Darsh. Yes, please. Darsh. Okay. Morning.
26 years of mine. And this is diamond. Emerald. Okay. So we get like this. Yes. सोसाइटी के प्रधान अनिल गुप्ता ने कहा कि इन बच्चों के लिए आइडियाज, नई खोज अभिभावकों को भी जागरूक और प्रेरित करेंगे। और एनी अलग अलग चीजों से उन्होंने जो अपनी हरित क्रांति के लिए, जैसे कि पेड़ पौधों को लगाने की एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि बिना पेड़ पौधों के जीवन किसी भी मनुष्य अगर मानव का ठीक नहीं रह सकता, इसी तरीके से बच्चों ने जो आज इसको किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और बच्चों ने नए समय के हिसाब से जो आज की डेट में पोल्यूशन पे या हम सब चीज़ों पे अगर बात करें या एनर्जी जो हम बना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि जी सोलर पैनल लगाने के बाद हम आज की डेट में अपनी इलेक्ट्रिकल कार भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो बच्चों ने हासिल करी, उसके लिए मैं स्कूल की टीचर्स का और सभी बच्चों का जो उन्होंने इस तरीके का आज अपना एक स्वरूप स्कूल के अंदर दिखाया, इससे और स्कूल भी शायद इससे कोई सबक लेंगे, इससे कोई आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हमारे बच्चे और आगे बढ़ के नई तरीके की चीज़ को खोल करके लाए, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रदर्शनी में जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी पर खास जोर था। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि 2050 तक दुनिया कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, यही इस आयोजन का मकसद भी है। बड़ी तारीफ की बात है हमारे स्कूल की और हमारे स्कूल के बच्चों की और हमारे टीचर्स की कि इन्होंने जो दिखाया है एग्जीबिशन में, बताया कि 2050 के अंदर कैसी दुनिया होगी। और विद लॉजिक हमने एक बात सीखी है, जो इन बच्चों ने, बच्चे भी जिसको चला रहे हैं, आपको मेहनत से कोई मतलब नहीं, आप रेक्टिफिकेशन से कोई मतलब, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, ये होना चाहिए। और ये इन बच्चों ने करके दिखाया कि इन्होंने एग्जीबिशन में दिखाया ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों होगा। तो बच्चे और हमारा पूरा स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर्स सब बहुत बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन। यूनेस्को के जो SDG गोल्स हैं UN के, हमारे पास 17 गोल्स हैं, राइट। एंड इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा मकसद सिंपल यही है कि हम पेरेंट्स में बच्चों के थ्रू अवेयरनेस करवाएं कि आपको 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। इस गोल्स को अचीव कैसे कर पाएंगे अगर हम इसके लिए काम ही नहीं करेंगे। आज आप ग्लोबल वार्मिंग देख लो किस हालत पर पहुँच गई है, ठंड होती है तो ठंड, गर्मी होती है तो गर्मी, बरसात होती है तो बरसात, दिस इज़ क्लाइमेट एक्शन। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने आज पूरा राउंड लिया होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों ने हर गोल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है और उसको माइंडफुलनेस के साथ कंबाइन किया। माइंडफुलनेस मीन्स कि आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से सोच के कर रहे हो। तो एक एक SDG गोल के ऊपर दे हैव पुट अ थॉट कि ये क्यों करना है, इसका हमारा बेनिफिट क्या है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने SDGs 2030 के लिए 17 लक्ष्य रखे हैं। इन लक्ष्यों को लेकर भारत भी पूरी गंभीरता के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, महाराजा अग्रसेन स्कूल के इन बच्चों की प्रतिभा और प्रयास इसी को बयान कर रहे हैं। कैमरामैन राज के साथ सुरभि रोशन, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।